हेलो नमस्कार दोस्तों दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज के सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं कारगिल जो युद्ध लड़ा गया था उस युद्ध की दोस्तों टाइमलाइन क्या थी और किस किस प्रकार दोस्तों उस युद्ध में किन किन गोला बारूदों का प्रयोग किया गया और दोस्तों कितने हमारे जो वीर जवान थे वो शहीद हुए। तो दोस्तों आज कारगिल विजय के 25 साल पूरे हो चुके हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज के सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं कि कारगिल युद्ध में कब क्या हुआ, ठीक है, इसकी क्या टाइमलाइन थी और किस प्रकार से दोस्तों ये युद्ध छिड़ा था। तो दोस्तों कारगिल युद्ध में दोस्तों कितने दिन तक ये युद्ध चलता रहा, इसकी क्या कहानी है और भारत और पाकिस्तान के मध्य किस समझौता के तहत इस युद्ध को समाप्त किया गया था, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी दोस्तों आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों वीडियो को आप स्किप ना करें, वीडियो को आप लास्ट तक अवश्य देखें। तो आइए दोस्तों ज़्यादा टाइम न लेते हुए हम वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। दोस्तों कारगिल युद्ध मई से जुलाई 1999 में लड़ा गया था, ठीक है। 5 मई पाकिस्तानी घुसपैठ की गई, 5 मई पहली मुठभेड़ हुई थी और 3 मई को दोस्तों पाकिस्तानी घुसपैठ हुई और 5 मई को दोस्तों क्या पहली मुठभेड़ हुई थी, ठीक है। 10 मई को दोस्तों ऑपरेशन विजय की शुरुआत हुई और 26 जुलाई ऑपरेशन पूरा हुआ था, 26 जुलाई को, ठीक है, 1999 को। दोस्तों 527 शहीद भारतीय जवान हुए, ठीक है, 1363 घायल हुए भारतीय जवान और 400 से ज़्यादा मारे गए थे पाकिस्तानी आर्मी के जो कॉन्स्टेबल थे वो, ठीक है। तो दोस्तों ये तो कुछ मोटी मोटी जानकारी थी, इनके बारे में विस्तार से हम जानेंगे आगे, तो वीडियो में आप लास्ट तक अवश्य बने रहिए। दोस्तों कारगिल युद्ध 3 मई से 26 जुलाई 1999 18,000 फीट की ऊंचाई पर यह युद्ध लड़ा गया था जिसमें 545 जवान शहीद हुए थे और 1536 जवान हमारे घायल हुए थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कौन सी पहाड़ियों पर लड़ी गई थी कारगिल की लड़ाई, तो उन पहाड़ियों के नाम है दोस्तों पीटी 4875, ठीक है। दोस्तों इसकी ऊंचाई है 48,875, ठीक है। बत्रा टॉप, इस पहाड़ी का नाम है बत्रा टॉप। दोस्तों टाइगर हिल, इस पहाड़ी का नाम है जो आपको पॉइंट पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और दोस्तों तोलोलिंग टॉप, इस पहाड़ी का नाम है और इस पहाड़ी की ऊंचाई यह है, इस पहाड़ी का नाम पीटी के नाम से दर्शाया गया है, ठीक है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, अभी हाल ही में हमने एक वीडियो अपलोड किया है हमारे चैनल पर जो कारगिल युद्ध के जो 84 दिन थी उनकी क्या कहानी थी, ठीक है, 3D वीडियो है, इसको एक बार आप अवश्य देखना, इसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। दोस्तों जो पाकिस्तान के ऑपरेशन कोहे पैमा की कहानी है इसमें, ठीक है। पाकिस्तान का ऑपरेशन था कोहे पैमा, जो किस तरह से हमारी भारतीय सेना ने इसको विफल किया था, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी दोस्तों इसके अंदर दी गई है। तो इसकी लिंक हम दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, वहां से जाकर इस वीडियो को आप लास्ट तक अवश्य देखना। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों कारगिल युद्ध 26 जुलाई 1999 को लड़ा गया था, मतलब शुरुआत हुई थी, ठीक है, और इंडियन आर्मी ने कारगिल पर फतेह की थी। दोस्तों 26 जुलाई 1999 को इंडियन आर्मी के द्वारा कारगिल पर फतेह की गई थी, ठीक है। जो आपको यह तस्वीर दिखाई दे रही है, यहाँ पे भारतीय जो तिरंगा है वो पहनाया गया था। लगभग 11 हफ्तों तक यह युद्ध चला था, ठीक है। 30,000 सैनिकों ने युद्ध में हिस्सा लिया था, जो भारतीय 30,000 सैनिक थे उन्होंने युद्ध में हिस्सा लिया था और 527 भारतीय सैनिक शहीद हुए थे इस युद्ध में और 1628 भारतीय सैनिक घायल हुए थे। दोस्तों अभी फिलहाल क्या है कि फिक्स जानकारी नहीं है, अलग अलग मतों के अनुसार दोस्तों अलग अलग घायलों की संख्या कम ज्यादा होती जा रही है, ठीक है। राजस्थान के दोस्तों 60 जवान शहीद हुए थे कारगिल के युद्ध में, सीकर, झुंझुनू और चूरू के, ठीक है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों झुंझुनू फौजियों के गांव की कहानी, दोस्तों झुंझुनू में एक फौजियों का गांव है, उस गांव की कहानी देखने के लिए दोस्तों आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, उस लिंक पर जाकर इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखना। दोस्तों राजस्थान का यह है एक अनोखा गांव है जिसमें
जिसका नाम ही फौजियों के गांव के ऊपर रखा गया है। दोस्तों इसमें 300 से ज्यादा लगभग फौजी हैं और रिटायर्ड फौजी भी हैं, और जो अभी कार्यरत हैं वो हैं दोस्तों 300 प्लस जवान। ठीक है दोस्तों, इस गांव का नाम है बैसावता कला गांव, जो झुंझुनू के अंदर है। इस वीडियो में हम दोस्तों 3D पॉइंट से दर्शाया गया है कि इस गांव की क्या खासियत है। ठीक है, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी दोस्तों इस गांव की दी गई है। तो इस वीडियो को भी आप इस वीडियो की लिंक भी दोस्तों आपको नीचे मिल जाएगी, वहां से जाकर इस वीडियो को आप लास्ट तक अवश्य देखना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों आप जानते हैं कारगिल युद्ध की जो टाइमलाइन थी उसके बारे में। दोस्तों कारगिल युद्ध 3 मई 1999, चरवाहों ने आर्मी को पाकिस्तानी घुसपैठ की जानकारी दी थी। 70 इन्फेंट्री ब्रिगेड द्रास और कारगिल पहुंची। दोस्तों एक चरवाहा था कोई, जो अपन बोल सकते हैं उसको भेड़ वगैरह कुछ चराने वाला व्यक्ति था, उन्होंने आर्मी के जवानों को भारत के अंदर घुसते हुए देखा था। ठीक है, फिर हमारे जो भारतीय सेना है उनको उन्होंने सूचित किया और 70 इन्फेंट्री जो ब्रिगेड जो बटालियन थी वो दोस्तों कारगिल पहुंची। ठीक है दोस्तों, फिर 5 मई की बात आती है, कैप्टन सौरभ कालिया को घुसपैठ की जांच करने के लिए भेजा गया लेकिन वो लापता हो गए। ठीक है, इसके बाद पाकिस्तान से घुसपैठ की बात पक्की हुई और युद्ध शुरू हुआ। दोस्तों जो कैप्टन सौरभ कालिया थे वह घुसपैठ की जानकारी के लिए दोस्तों कारगिल पहुंचे और वहां से पाकिस्तानी सेना ने उनको गायब कर दिया। ठीक है, फिर दोस्तों ये बात तय हुई कि पाकिस्तानी की सेना हमारे भारत के अंदर घुसपैठ कर रही है, तो इसके बाद दोस्तों पाकिस्तान से ये बात पक्की होने पर युद्ध की शुरुआत हो गई थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 18 मई भारत ने 0.8295 और 44.60 पर फतह हासिल की और उस पर दोबारा कब्जा किया। ठीक है, 18 मई को दोस्तों 8 सिख बटालियन ने टाइगर हिल को रिकैप्चर करने के लिए अभियान शुरू किया, इसके द्वारा 8वीं बटालियन सिख बटालियन थी उनके द्वारा। दोस्तों 23 मई की बात है, आर्मी चीफ ने कारगिल सेक्टर का दौरा किया, वॉर ऑपरेशन की रूपरेखा तैयार की। ठीक है, जो वार ऑपरेशन है उसकी रूपरेखा तैयार कब की गई थी, 23 मई 1999 को। दोस्तों 26 मई की बात आती है, भारतीय वायुसेना ने 15 क्रोप्स का साथ देने के लिए अपना ऑपरेशन शुरू किया था। ठीक है, किसके द्वारा, भारतीय वायुसेना के द्वारा। दोस्तों अब बात आती है 12 जून की। 12 जून को दोस्तों पाकिस्तान भारत के विदेश मंत्रियों के बीच संघर्ष को खत्म करने के लिए बातचीत हुई। पाकिस्तान और दोस्तों भारत है उनके विदेश मंत्रियों के बीच में दोस्तों इस युद्ध को समाप्त करने के लिए बातचीत शुरू हुई। दूसरी तरफ पैराशूट ब्रिगेड कारगिल पहुंची और मोर्चा संभाल लिया। दोस्तों 13 जून 56 ब्रिगेड ने तोलोलिंग चोटी और 4590 पॉइंट पर फिर से विजय हासिल की थी। दोस्तों 14 जून भारतीय फोर्स ने हम्प पर जीत हासिल की। 15 जून को दोस्तों अमेरिकी प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन ने पाकिस्तानी पीएम नवाज शरीफ से सेना हटाने के लिए कहा था। कब दोस्तों, 15 जून को, किसके द्वारा दोस्तों, अमेरिकी प्रेसिडेंट थे बिल क्लिंटन, उनके द्वारा। ठीक है दोस्तों, 20 जून की बात आती है, 56 ब्रिगेड ने 0.5140 पर फतेह हासिल की। आइए दोस्तों इसी कतार में आगे देखते हैं दोस्तों, 23 जून को जी8 राष्ट्र हैं उन्होंने भारत में घुसपैठ रोक की अपील की पाकिस्तान से। दोस्तों उन्होंने घुसपैठ पर जो रोकने की अपील की थी पाकिस्तान से। 28 जून की बात है दोस्तों, 56 ब्रिगेड ने 0.4700 पर फिर कब्जा हासिल किया। दोस्तों 29 जून 56 ब्रिगेड ने ब्लॉक रोक 3 पिंपल और क्लोन का इलाका रिकैप्चर किया था। दोस्तों 1 जुलाई 17 ब्रिगेड ने 5000 को कैप्चर किया। कब दोस्तों, 1 जुलाई को। ठीक है आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 3 जुलाई
3 जुलाई को पॉइंट 52.87 और टाइगर हिल पर फतेह हासिल किया। ठीक है, टाइगर हिल्स पर फतेह हासिल हुई। दोस्तों 4 जुलाई की बात है, नवाब शरीफ वॉशिंगटन जाकर अमेरिकी प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन से मिले और भारत से बातचीत की गुहार लगाई। कब दोस्तों? 4 जुलाई को। दोस्तों 5 जुलाई की बात आती है, गुनेसी ब्रिगेडियर ने पॉइंट 48.75 जीता। मुस्को और द्रास सेक्टर की सेक्टर फिर भारतीय फौज के कब्जे में आ गया। दोस्तों 12 जुलाई को दोस्तों पाकिस्तानी फौज को लाइन ऑफ कंट्रोल से वापस खदेड़ने के लिए सीज फायर किया गया 12 जुलाई को। दोस्तों 24 जुलाई की बात है, 192 ब्रिगेडियर ने जुलू सुपर कॉम्प्लेक्स पर फतेह हासिल की। और 26 जुलाई को दोस्तों भारतीय फौज ने ऑपरेशन विजय को सफलतापूर्वक पूरा किया और ऑफिशियली कारगिल युद्ध खत्म करने की घोषणा की गई। कब दोस्तों? 26 जुलाई 1999 को। ठीक है, इस तरह से दोस्तों ये कारगिल युद्ध की दोस्तों टाइमलाइन थी, किस किस तारीख को क्या क्या हुआ था। ठीक है, आइए दोस्तों कारगिल युद्ध 67 दिनों तक चला था। ठीक है, मई 1999 में शुरू हुआ, ऑपरेशन विजय कुल 67 दिनों तक चला था। ठीक है, यह लड़ाई समुद्र तल से करीब 5000 मीटर ऊपर दुर्गम इलाकों में हुई थी। ओके, नेशनल वॉर म्यूजियम मेरोलियम के मुताबिक इन अभियान में कुल 674 भारतीय सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। ठीक है, जंग में सर्वोच्च बलिदान और साहसिक प्रदर्शन के लिए कुल 57 पुरस्कार प्रदान किए गए थे। तो दोस्तों इस प्रकार ये कारगिल युद्ध समाप्त हुआ था। दोस्तों आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को दोस्तों आप सब्सक्राइब अवश्य करें और दोस्तों वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करें। जो दोस्तों कारगिल युद्ध की टाइमलाइन थी उसके अनुसार दोस्तों सभी को पता चले, इसलिए दोस्तों आगे से आगे इस वीडियो को सेंड करें। और दोस्तों नए टॉपिक पर नए अंदाज में वीडियो जल्द लाएंगे, तब तक बने रहिए आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। दोस्तों जल्द ही नए टॉपिक के साथ नए अंदाज में आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।